नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपसे एक वादा किया हुआ है कि मेरे पास जब भी छबनम से जुड़ी हुई या ऐशा से जुड़ी हुई कोई खबर होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और इससे पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूं कि मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों ने कहा है कि मुझे आयशा और शबनम इसके अलावा किसानों पे भी बात करनी चाहिए। मैं देखती हूँ मैं किसानों पर क्या बात कर सकती हूँ, लेकिन आज मैं आयशा के लिए बात करने जा रही हूँ। जब जब मैं आयशा के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में आती हैं। जब कोई अपडेट मेरे सामने आता है तो एक बात मेरे दिल में आती है कि आयशा की कब्र बन सकती है, कब्र की खामोशी नहीं बन सकती। दिल वाले लोग जब भी उसकी कब्र से गुजरेंगे तो उनके कानों में आयशा की आवाज आएगी। यहाँ मैं कुछ लाइनें हैं जो सारा शगुफ्ता ने कभी लिखी थी अपने ऐसे ही जज्बातों के बीच में। खाली आंखों का मकान महंगा है, खाली आंखों का मकान महंगा है, मुझे मिट्टी की लकीर बन जाने दो। खुदा बहुत से इंसान बनाना भूल गया है, मेरी सुनसान आंखों में आहट रहने दो। आग का जायका चराग है और नींद का जायका इंसान, मुझे पत्थरों जितना कस दो कि मेरी बेजबानी मशहूर ना हो। मैं खुदा की जबान मुंह में रखे, मैं खुदा की जबान मुंह में रखे कभी फूल बन जाती हूँ कभी काटा। जंजीरों की रिहाई दो कि इंसान से ज्यादा कैद है, मुझे तन्हा मरना है, ये आंखें ये दिल किसी खाली इंसान को देना है। दोस्तों, आप सब लोगों ने आयशा की वो वीडियो देखी जिसमें उसने अपने पूरे का हाल खोल दिया। आयशा का एक खत भी सामने आया है, वो आयशा जिसने साबरमती रिवर फ्रंट के पास खुद का वीडियो बना करके और साबरमती में समा गई, उसका खत अपने पति के नाम। आयशा ने इसमें लिखा है, अपने पति के लिए लिखा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऑब्वियस सी बात है, हर पत्नी अपने पति से बहुत प्यार करती है और आयशा भी बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती थी अपने पति से। इस खत में आयशा ने अपने ऊपर होने वाले जुल्म का जिक्र भी किया है। तो आयशा का जो खत है कुछ इस तरीके से शुरू होता है, माय लव आरू, आरिफ को वो प्यार से आरू कहती है। माय लव आरू, कई ऐसी चीजें हैं जो मैंने नहीं की, मुझे बहुत गलत लगा तुमने मेरा नाम आसिफ के साथ जोड़ दिया। आसिफ मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, सबसे अच्छा भाई। जब मुझे 4 दिन तक एक कमरे में बंद करके रख दिया था और खाने के लिए कोई पूछने वाला ना था, यहाँ तक कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी आप नहीं आए, तो आपने मुझे मारा पीटा, इससे मेरे लिटिल आरू की मौत हो गई। मैं उसके पास जा रही हूँ। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकती हूँ। आयशा अपनी गृहस्थी को कितना प्यार करती थी, उसने अपने घर में पलने वाले बच्चे को लिटिल आरू बोला, जो ये बताता है कि वो अपने पति से कितना प्यार करती थी, उसको लिटिल आरू कह रही है वो। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि उसके मन में उस समय कैसे भाव हो रहे होंगे। मेरे लिटिल आरू की मौत हो गई है, अब मैं उसके पास जा रही हूँ। लेटर में आयशा ने आगे लिखा कि मैंने कभी धोखा नहीं किया, हस्ती के खेलती जिंदगियां बर्बाद हो गई, मैं गलत नहीं थी, आपका स्वभाव गलत था। तुम्हारी आंखों में मैं फिदा हो गई, लेकिन क्यों ये मैं तुम्हें अगले जन्म में बताऊंगी। आई लव यू, आपकी पत्नी आयशा। ये जो आखिरी लाइन है,
मैं तुम्हारी आंखों पे फिदा हो गई थी, लेकिन क्यों ये मैं तुम्हें अगले जन्म में बताऊंगी। यहाँ दो बातें, एक तो अपने प्यार को बता रही है कि मैं तुम्हारी आंखों पे फिदा हो गई थी। आंखें देखने वाली आयशा की नजर थी, हालांकि इस समय आरिफ पुलिस के निगरानी में है और लोगों को उसकी आंखों में क्रूरता नजर आ रही है, लेकिन आयशा को उसकी आंखों में न जाने क्या दिखा कि वो उसकी आंखों पे फिदा हो गई। जो सबसे खास बात है, उसने लिखा है कि अगले जन्म में मैं आपको बताऊंगी, यानी कि वो अगले जन्म में भी उसके साथ ही जिंदगी जीना चाहती है। हालांकि वीडियो जो उसका वायरल हुआ था, उसमें उसने कुछ ऐसी बात कही थी जिससे ये जाहिर होता था कि वो इंसानों की शक्ल नहीं देखना चाहती, दोबारा से वो इस संसार में नहीं आना चाहती। एनी हाउ, और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आरिफ की 3 दिन की पुलिस रिमांड अब पूरी हो चुकी है। पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर दिया है। इसके बाद कोर्ट ने आरिफ को न्यायिक हिरासत में भेजने का ऑर्डर भी कर दिया है। पुलिस अब आयशा के वकील की ओर से पेश किए जिस खत की मैं बात कर रही थी आपसे, उस खत के आधार पे आगे की जांच शुरू कर दी है। ये खत कई मायनों में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, और जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं उनके मुताबिक आयशा के साथ की गई चैट, फोटो और बहुत सारी चीजें जो आशा और आरिफ के साथ रिलेट करती हैं, वो इस फोन से डिलीट कर दी गई हैं। लेकिन एफएसएल की टीम जो है डेटा रिकवरी करने की कोशिश कर रही है। ये चीजें आजकल बहुत आसान हैं, उनको रिकवर किया जा सकता है प्रोसेस के द्वारा। और 25 फरवरी को आयशा ने खुदकशी की थी साबरमती रिवर फ्रंट में समा करके, और पुलिस ने राजस्थान के जालौर में रहने वाले आरिफ को अरेस्ट भी कर लिया था, उसे उन्होंने पाली से पकड़ा था। मैं फिर एक बार आयशा के खत पे आती हूँ कि इंसान कितना शक्की होता है और इंसान कभी कभी कितना गिर जाता है, क्योंकि वो इंसान खुद किसी और के प्यार में पड़ा हुआ था। आयशा के प्यार को दरकिनार कर, उसको नजरअंदाज कर, आयशा को इग्नोर करके वो किसी और लड़की के प्यार में पड़ा हुआ था, और आयशा उसको फिर भी दिलो जान से चाहती थी, जो कि इसके खत से जाहिर है। और इतना सब होने के बावजूद भी वो अभी भी जाते जाते भी वो आरिफ को बहुत सारा प्यार जता करके गई है कि वो अगले जन्म में उसको बताएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो अगले जन्म में भी आरिफ के साथ जिंदगी गुजारना चाहती है। आयशा, तुमने बहुत साफ गोई से अपनी सारी बातें रखी हैं। अब देखना है कि आरिफ तुम्हें कितना प्यार करता है, आरिफ कब अपना गुनाह कबूल करता है, और ये सारी चीजें किस तरीके से आगे चलकर किस मोड़ पे पहुंचती हैं, ये सब आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और आपकी राय मेरे लिए बहुत ही कीमती है। जैसा कि मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहती हूँ, आप अपनी राय ज़रूर शेयर किया करें मेरे कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको आप शेयर भी कीजिएगा, और इसको अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।